कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, और ये रात की रोटी बच गई है तो मैं इसमें रिफाइन या घी लगा दूंगी, तो बच्चे लोग खा लेंगे या मैं भी खा लूंगी, कोई भी खा लेंगे। और यहाँ पे बनाई हूँ छत से बैंगन, टूटा था तो बैंगन आलू टमाटर की सब्जी और कद्दू चने दाल की सब्जी। तो आज बच्चों की छुट्टी है तो उठने में मुझे हो गया है थोड़ा लेट टाइम, और रोटी बेस्ट मैं नहीं करती हूँ। चावल मेरा थोड़ा बहुत कभी कभी मैं देना पड़ता है, मगर रोटी वगैरह मैं खा ही लेती हूँ फ्रेंड। मुझे ना काफ़ी सारी कल रोटी बच गई थी, और ये रोटी मेरे पापा को, ये वाली रोटी मेरे पापा को और मेरा बड़ा वाला बेटा को बहुत पसंद है, तो छोटा वाला तो छूता भी नहीं है, वो तो वैसे भी बहुत नकचढ़ा है, वो खाने में बहुत तीखा बन जाता है। और ये देखिए इधर एक ब्रश कर रहा है और मैं दिखा रही हूँ, ये इधर देखिए एक ऐसे है पूरा बेड का नक चढ़ा है फ्रेंड, नक चढ़ा है, नक चढ़ा है, ये नक चढ़ा है, बहुत बदमाश है ये। रुको अब सूट करते, तो बस जल्दी से अब नाश्ता बना लेती हूँ। और काफी लेट हो गया फ्रेंड, 9:30 बज रहे हैं और मैं 8 बजे सो के ही उठी हूँ, और जब वहाँ से जो फट अभी आई हूँ मैं ना, मेरा पूरा अच्छे से घर का कोई भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि काम करने में मेरा मन ही नहीं लग रहा है, बहुत थकान थकान सा हो रखा है फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा थकान हो रखा है, इस वजह से काम ढंग से नहीं हो रहा। तो देखिए मैंने कपड़े इतने सारे धो रखे हैं, बस सभी को गोदरेज में सेट करना है, मगर मेरे से ये भी तक नहीं हो रहा है। और इधर दो चार एक दो पार्टी थी तो उस वजह से भी नहीं काम कर पाई, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। और रोटी का देखिए क्या हालत है। फ्रेंड यहाँ पे मैं चाय बिठा दी हूँ, और ये मेरा थोड़ा हेल्प कर दे रहा है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, तो बर्तन को अरेंज कर दे रहा, क्योंकि मेरा बर्तन वहाँ धुलता है और यहाँ ला के रखना होता है, तो ये कर दे रहा है, मगर ये बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा है और अभी मुझसे डांट भी सुना है, क्योंकि कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ा देता है तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो ये देखिए इधर बेड को फोल्ड, बेड शीट जो ओढ़ते हैं रात में वो फोल्ड कर दिया है, और ये मैं देखिए न्यू बेडशीट ली हूँ, कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा। अभी मैं इसको ठीक करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये बिगड़ा हुआ है तो इसको सही करना है, उसका झाड़ू लगाऊंगा, लगाऊंगी पोछा लगाऊंगी।
तो बेड शीट फाइनली मेरा बिछ गया है और अब चलते हैं दूसरे काम में। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, तो चाय भी मेरा ओके हो जाएगा और जब तक मेरी बेड शीट बिछ गई है। और अब मुझे झाड़ू वगैरह लगाना है, उसके बाद फिर काम करूँगी। चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर से झाड़ू तो सारी जगह लग गया है, उसका पोछा मारूंगी। तो दोस्तों, चाय वगैरह पीने के बाद मुझे लगा कि अभी वक्त है तो मैं गेहूँ वगैरह साफ कर लेती हूँ, क्योंकि आटा भी ख़त्म है और देखिए ना बहुत सारा कचरा है, मुझे इसे वॉश करना है। तो गेहूँ फटकते फटकते मेरा एक पार्सल आ गया। तो दोस्तों, मेरा एक पार्सल आया है, मेरी बहन मुझे कुर्ती गिफ्ट की है, तो उसी का ये लेगिंग्स है और मतलब ऑनलाइन से मीशो से मंगाई हूँ, डबल एक्सल है। पहली बार मतलब नहीं, पहले भी एक तो मंगाई हूँ, इस ब्रांड का पहली बार मंगाई हूँ। तो पता नहीं कैसा है, मैं खोल के दिखाती हूँ। ब्लैक कलर का एक मंगाई हूँ, वाइट का भी एक मंगाई हूँ, और ये इसका कपड़ा तो वैसे अच्छा लग रहा है फ्रेंड देख के, तो मगर हाइट मुझे बहुत कम लग रहा है इसका, और पता नहीं कैसा हो, देखते हैं फिर। कपड़ा बहुत अच्छा है फ्रेंड, पॉकेट में स्पेस भी बहुत है, इधर एक पॉकेट है इसमें, और साइज भी काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है।